हेलो नमस्ते, मैं हूँ वंदना गुप्ता और आप देख रहे हैं फिट तक। हु डजंट वांट फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्किन? एवरीवन, राइट? देन व्हाई डोंट यू ट्राई दिस सिंपल आसनास जिनको करने से आप पा सकते हैं खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ जिसका नाम है पादहस्तासना। पादहस्तासना करने के लिए सबसे पहले आप समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपके पैरों के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस रखेंगे या अपने पैरों को हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे। दोनों पैर पैरेलल टू ईच अदर, इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पैर बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ ना हो। दोनों पैरों के पंजे पैरेलल टू ईच अदर। इनहेल करते हुए आर्म्स ऊपर लेकर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है आपके पेल्विक एरिया से। तो मैं आपको एक बार साइडवेज भी बता देती हूँ कि पेल्विक एरिया से कैसे झुकना है। अगर आपको लगता है कि आप इनहेल करके जब नीचे जाते हैं तो यहाँ की शायद थोड़ा हंच कोलैप्स होने लगती है आपकी बॉडी और आप नीचे जाने के लिए कोशिश करते हैं कि हाथ ड्रॉप कर दें और इस तरह से कुछ राउंड कर लेते हैं आपके बैक को, तो मेक श्योर कि आप अपने हाथ यहाँ पर ही रख लें, आप ऊपर लेकर ही ना जाएं। एंड देन ओपन योर चेस्ट एंड गो डाउन। सो आई विल शो यू फ्रॉम द टॉप। इनहेल, आर्म्स ओवर हेड। एक्सहेल, फोल्ड फॉरवर्ड, ओपन योर चेस्ट, गो स्लो। आपका जो हिप्स है उसको पीछे की तरफ पुश नहीं करेंगे, बॉडी वेट को थोड़ा सा टोज की तरफ रखेंगे। कंप्लीट डाउन आने के बाद अपने हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों की तरफ से अंदर की तरफ रखेंगे पंजों के नीचे। इनहेल, लेंथन योर स्पाइन। एक्सहेल, ड्रॉप योर हेड एंड गो डीपर डाउन इन द आसना। स्टे हियर फॉर कपल ऑफ ब्रेथ। धीरे से अपने हाथों को निकालेंगे पंजों के नीचे से और इस बार अपनी एड़ियों के नीचे से अपने हाथों की उंगलियों को रखेंगे और लेंथन करेंगे इनहेलेशन के साथ और एक्सहेल करते हुए डीपन डाउन योर आसना। क्योंकि इस पॉस्चर में आपका ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेन है, आपके फेस की तरफ है, आपके सर की तरफ है, इसके लिए आपके पूरे फेस में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसीलिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है आपकी रेडिएंट स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से अपने पैर सीधे नहीं कर सकते तो इट्स फाइन, आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के रख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि हाथों को आप एड़ी के नीचे नहीं रख सकते तो आप अपने काफ्स के पीछे भी रख सकते हैं। एंड देन गो डीपर, बेंड भी रख सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। हाउ टू कम आउट ऑफ दिस आसना? सबसे पहले अपनी बॉडी को पूरा लूज कर देंगे, बेंड करेंगे नीज को, ड्रॉप करेंगे आपके हिप्स को, चिन को टक करेंगे आपके चेस्ट की तरफ और बहुत धीरे धीरे रोल अप। इनहेल करते हुए जितना स्लो आप ऊपर आ सकते हैं उतना स्लो आएंगे। और सबसे लास्ट में आकर आपका चिन टक रिलीज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका सारा ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बहुत धीरे इस आसन से वापस आएं। एकदम से आने से आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आपको ये तो पता ही है कि आपको क्यों इस आसन में ग्लोइंग स्किन मिल सकती है। चलिए करते हैं हमारे अगले आसन। ये हैं 2 आसन, एक है सर्वांगासना और हलासना। हम सर्वांगासना से ही जाएंगे हलासना में भी। चलिए करते हैं सर्वांगासना और हलासना। सबसे पहले आप अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। अब अपने हिप्स को थोड़ा सा नीज को सॉफ्टली बेंड करेंगे और हिप्स को लिफ्ट करेंगे और अपनी लोअर बैक को अपने हाथों से सपोर्ट करेंगे। आपकी उंगलियां कवर की तरफ और अंगूठे पेट की तरफ रहेंगे। यहाँ पर आपको 5 ब्रेथ्स के लिए रुकना है। सर्वांगासना को क्वीन ऑफ द आसनास भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आप सर्वांगासना में नहीं रुक सकते हैं तो आप विपरीत करनी भी कर सकते हैं जो कुछ इस तरह से रहती है। सर्वांगासना से हलासना में जाने के लिए पहले एक पैर को नीचे लेकर जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर
फिर दूसरा पैर नीचे लेकर जाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, अब एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को बहुत धीरे से अपने सर की तरफ नीचे लेकर जाएंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप अपना जो सपोर्ट है उसको रिलैक्स करेंगे। आप अपने हाथों को उंगलियों को इंटरलेस भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपना सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, आपको अपनी कमर ग्रैब करके रखनी है, पकड़ के रखनी है। अगर आप ज़मीन तक पीछे की तरफ नहीं भी पहुंच पाते हैं तो इट्स ओके टू स्टे हाफ वे अप हियर, लेकिन आपको अपना सपोर्ट नहीं छोड़ना है। और जब आप ज़मीन पर पहुंच जाएंगे तो आप यहाँ अपने पैरों की उंगलियों को रिलैक्स भी कर सकते हैं या टक इन करके भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इनहेल करते हुए कम बैक इन सर्वांगासना और बेंड कीजिए अपने नीज को। रिलीज करने के लिए आसन, अपने हाथों को धीरे धीरे स्लाइड कीजिए अपने हिप्स की तरफ, स्लोली थाइस की तरफ, एंड देन वेरी स्लोली रिलीज दिस आसना एंड लाई डाउन इन शवासना फॉर टू डीप ब्रेथ्स। देन टर्न टूवर्ड्स वन साइड and sit up. Sit in any comfortable cross-legged position. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वांगासना को क्वीन ऑफ द आसना भी कहा जाता है। सर्वांगासना और हलासना बहुत ही अच्छे आसन है थायराइड ग्लैंड के लिए भी, क्योंकि सर्वांगासना में भी आपका ब्लड फ्लो सारा की सारा, इट्स एक्चुअली एन इन्वर्जन, आपका सर नीचे है, पैर ऊपर हैं, ब्लड फ्लो सारा की सारा आपके फेस की तरफ, सर की तरफ रहता है, हैंस यू गेट अ लॉट ऑफ ग्लो ऑन योर फेस। अगला आसना एक्चुअली आसन नहीं, प्राणायाम है। हम करेंगे शीतली प्राणायाम और शीतली प्राणायाम में हम लेंगे सन्मुखी मुद्रा भी। तो देखते हैं कैसे करना है ये प्राणायाम। एक्चुअली शीतली प्राणायाम जो है वो आपके इंटरनल सिस्टम को एकदम कूल रखता है। जो हमारे फेस पे एक्नेज वगैरह आते रहते हैं वो हमारी बॉडी हीट की वजह से आते हैं, और ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके इंटरनल सिस्टम को कूल रखता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखता है। तो चलिए करते हैं हमारा शीतली प्राणायाम विद सन्मुखी मुद्रा। शीतली प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएंगे, हाथों को सॉफ्टली अपने घुटनों के ऊपर रख देंगे। अपनी टंग से आप एक ट्यूब जैसा शेप बनाएंगे कुछ इस तरह, अपने होठों के बीच में से उसको बाहर रखेंगे। पहले मैं बता देती हूँ बिकॉज बोलना उतना ईजी नहीं होगा जब मैं करूँगी। इनहेल आपको आपके वो ट्यूब जैसी जो टंग बनाया है उसमें से करना है, माउथ सॉफ्टली क्लोज करना है, सन्मुखी मुद्रा लेना है। सन्मुखी मुद्रा का मतलब है आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके आईब्राउज के ऊपर, मिडिल फिंगर ऑन योर आईलिड्स, रिंग फिंगर अराउंड योर नेजल टिप और पिंकी अराउंड योर लिप्स। अंगूठे से आपको अपने कानों को बंद करना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा चिन लॉक लेना है, जिसके लिए आप अपने चिन को नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इनहेल करते हुए अगर आपको लगता है कि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं वो ब्रेथ, तो आप एक्सहेल करके नॉर्मल ब्रेथ की तरफ भी आ सकते हैं। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर जब आप बंधा लेंगे तो जलंधर बंधा में रुकेंगे, ऊपर आएंगे और उसके बाद धीरे से नाक से ये श्वास को आप धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो चलिए करते हैं हमारी शीतली विद सन्मुखी। ट्यूब बनाएंगे, सन्मुखी मुद्रा लेंगे और फिर धीरे से चिन टक करेंगे। होल्ड करके रखिए अगर आप अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कम बैक ऑन द नॉर्मल ब्रेथ। और धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे नोज से। रिलीज योर मुद्रा, इनहेल नॉर्मली एंड एक्सहेल।
धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। ये प्राणायाम आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी करना चाहें तो इसके कोई हार्म नहीं है, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपके सिस्टम को कूल रखता है, इसलिए आपको ग्लोइंग स्किन, रेडिएंट स्किन देने में मदद करता है। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन, तो आपको मालूम ही है कि कौन से आसनास आपको करने हैं। करते रहिए ये आसनास की डेली प्रैक्टिस और देखते रहिए फिट तक। नमस्ते।